जाने से कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। और फिर बाबा ठीक ही तो कह रहे हैं, है तो ये अतिथि और अतिथि देवो भव, जो भी हो हमें इन्हें प्रसन्न करके यहाँ से भेजना चाहिए। रुकिए बाबा, बाबा पहले हाथ तो धो लीजिए। हाथ क्या धोना, मैं तो कभी मुंह भी नहीं धोता। जाओ भोजन लाओ। आइए आप यहाँ बैठिए। नहीं, मैं तो यहां बैठ जाऊंगा। किंतु बाबा यह आसन तो हमारे इष्ट भगवान शंकर जी के लिए है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो यहीं बैठूंगा। दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? लाओ मेरे लिए भोजन परोसो। अच्छा, तुम लोग मुझे यहां बैठा देखकर कूड़ रहे हो। मुझे तुम लोगों का ये भाव तनिक भी बा नहीं रहा है। यदि ऐसे ही रो रो के मुझे भोजन कराओगे तो मैं सच कहता हूं, मैं एक दाना भी नहीं खाऊंगा। मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। नहीं नहीं बाबा, ऐसा अनर्थ ना कीजिए। आप बैठिए, मैं आपके लिए भोजन परोसती हूँ। क्या हुआ बाबा? मुझे हाथ धोने की शिक्षा दे रही थी और स्वयं बिना हाथ धोए ही मेरा भोजन परोस रही हो। किंतु बाबा मेरे हाथ तो शुद्ध हैं। और फिर आपने ही तो कहा। तेरा मेरा क्या मेल है? मैं तो भिखारी हूं, तू तो ग्रहस्थन है, तुझे तो शुद्ध अशुद्ध का विचार करना चाहिए। जाओ मेरे हाथ धो कर आओ। पंखा क्या देखने के लिए रखा है? बाजू में बल नहीं है, पंखा चलाओ। बाबा भोजन प्रारंभ। पूरी कैसे पकाई है? आधी कच्ची आधी चली हुई।
बड़ी आशा से तुम्हारे द्वार पे आया था कि बरसों पश्चात एक अच्छा भोजन करने को मिलेगा। तुम दोनों ने गुड़ गोबर कर दिया। फिर भी अच्छा ही हुआ मैंने तुम्हारा सत्कार स्वीकार कर लिया। भूखे का पेट भरकर कुछ तो पुण्य मिलेगा तुम्हें, नहीं तो उस अवगढ़ अहोरी जटाजुटी शंकर की सेवा करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला था। भस्म लपेट कर, गले में नागमाला डालकर, भयंकर रूप धारण करके शमशान में बैठने से कोई भगवान नहीं होता। अरे वो तो लोगों को डरा धमका कर भगवान बन बैठा है, ईष्ट बनाना ही है। इससे पूछो, मैं तुम्हें बताता हूँ कौन सा भगवान तुम्हारा भला कर सकते हैं। बस कीजिए बाबा। आप हमारे अतिथि हैं, किंतु हमारे परम आराध्य भगवान भोलेनाथ का अपमान करने का आपको कोई अधिकार नहीं। इसमें अपमान क्या है बालिकी? जो सत्य है वो सत्य है। क्या शंकर शमशान में नहीं रहता? क्या वो भस्म लगाकर नहीं घूमता? क्या वो जटाजुटी अघोरी नहीं है? हाँ रहते हैं वो शमशान में, हाँ लगाते हैं भस्म, किंतु जहाँ अपने भी साथ छोड़ देते हैं उस शमशान में रहकर वो जीवों को शरण देते हैं और भस्म लगाते हैं उन्हें जीवन की व्यर्थता का उपदेश देने के लिए। और जिन जटाओं का आप इतना अपमान कर रहे हैं, ये मत भूलिए कि उन्हीं जटाओं में माँ गंगे भी निवास करती हैं। उन्हीं जटाओं की महिमा है कि माँ गंगा समस्त जीवों के लिए कल्याणकारी रूप में रहती हैं। नहीं तो जिस प्रचंड वेग से वे स्वर्ग से उतरी थी, यदि भगवान जटाशंकर ने उन्हें अपनी जटाओं में ना घेरा होता तो वे अपने वेग से सब कुछ बहाकर नष्ट कर देती। और अघोरी, अघोरी का अर्थ समझते हैं आप? घोर का अर्थ होता है क्रूर, और अघोर अर्थात जिसमें कोई क्रूरता ना हो, जो घोर पापियों के प्रति भी करुणा की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे हैं मेरे भगवान भोले शंकर। मारी गई है वो भूतनाथ नागधिराज, वो विशेला है, विशेला। अभी तो नागू का साथी है। आपको विशेले समझ आते हैं? तो हाँ, मेरे भगवान भुजंग भूषण विशेले हैं, क्योंकि अमृत मंथन के समय जो कालकूट विष निकला था, जिसे देखते ही सब देवता हाहाकार करते भाग खड़े हुए थे, उस भयंकर कालकूट विष को अपने कंठ में धारण करके मेरे भगवान नीलकंठ देवताओं को अमृत देने वाले हैं। अरे वो तो इतने शांत, अहिंसक और परोपकारी हैं कि नाग जैसे विषैले जीव भी उनके पास आकर ना डसने का स्वभाव भूल जाते हैं। तुम्हारे जैसे अंधभक्त। बस अब यदि आपने मेरे भगवान भोले शंकर के विरुद्ध एक शब्द भी बोला तो क्या करोगी अंजना?